सर, बाबरी मस्जिद को लेकर के जो आज लखनऊ में बेइज्जती हुई है, सारी घटनाक्रम जो हुई उसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी का मानना है कि अयोध्या एक नेशनल मूवमेंट था, कल्चरल अवेकनिंग का, और उसी पर हम टिके हुए हैं। ये जो नेता हैं, इन लोगों ने उस मूवमेंट को लीड किया था, और जो विवादित ढांचा है वो कुछ एग्रेसिव कार्यकर्ता लोगों ने गिराया था, लेकिन इसमें कहीं भी कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी किसी नेता के द्वारा या और किसी के द्वारा। और जो तत्कालीन उस समय के शासन थी, उसने कॉन्स्पिरेसी चार्जेस को बाद में लगाया लोगों को पॉलिटिकली फिक्स करने के लिए। और इसके पीछे का इतिहास आपको पता है कि ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस को ड्रॉप कर दिया था, उसके बाद अपेलेट कोर्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने भी माना कि ट्रायल कोर्ट ने सही किया है, और उसके बाद फिर सीबीआई ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट को 2010 में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल के बाद ये फैसला दिया कि इस चार्जेस को रिवाइव किया जाए कॉन्स्पिरेसी का, और डे टू डे हियरिंग हो और अदालत एक निर्णय पर पहुँचे। तो हम जब पूरा विश्वास करते हैं कि कोई ऐसा बात ही नहीं हुआ था जिसमें कॉन्स्पिरेसी हो, ये सारे नेता जो हैं हमारे इनोसेंट हैं, तो सीबीआई के पास कुछ तथ्य होगी तो सीबीआई दिखाए। हमारा मानना है कि सीबीआई के पास कोई तथ्य नहीं है और कुछ भी चार्जेस प्रूव नहीं होने वाले, और हमारे नेता सारे के सारे बेकसूर साबित होंगे। कहीं ना कहीं कुछ सुनवाई होने के बाद फिर बेल मिला उनको, और जो धारा जो उन पे नई नई तरह के सारे सिस्टम जो लग रहे हैं, अब उसको आप कैसे देख रहे हैं? ठीक है, बेल मिलना तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, और अब 2 साल के अंदर कोर्ट को फैसला सुनाना है, चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, तो अब ट्रायल के दरमियान प्रोसिक्यूशन साइड साबित करे कि कॉन्स्पिरेसी था, और हम साबित करेंगे कि कॉन्स्पिरेसी नहीं था, ये लोग इनोसेंट थे। वहीं विपक्ष का साफ साफ कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव के सामने आने के बाद इस ढंग की सारी बात हुई, पुराने बातों को फिर से ताजा किया गया सिर्फ राष्ट्रपति शासन से दूर करने के लिए अडवाणी जी और जोशी जी। ये तो गलत बात बोल रही है विपक्ष, क्योंकि सीबीआई तो पहले ही गई थी सुप्रीम कोर्ट में, हमारे समय तो नहीं गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया, सुप्रीम कोर्ट हमारे इशारे पर तो काम नहीं करता, ये सब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। टाइमिंग देख सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के राज दरबार में इसी तरह के साजिश होते रहते हैं। हम लोग, आप जो इशारा कर रहे हैं, हमारे यहाँ लालकृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा वजूद है, बहुत कद्दावर नेता हैं, उनके स्टेटस का भारतीय राजनीति में आज शायद ही कोई नेता हो, तो इस तरह की बात कोई सोच भी नहीं सकता है। जो लोग इसको राजनीति बोल रहे हैं वे उनके साथ न्याय नहीं कर रहे, और किसी के साथ भी न्याय नहीं कर रहे। आप